नमस्कार दोस्तों, एडिल सिविल सर्विसेज क्लासेज में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, से UPPCS 2022 के प्रीलिम्स का मार्क्स और कट ऑफ जारी कर दिया गया है। ये आयोग के साइट पर आप देख सकते हैं। तो आयोग के साइट पर जो कट ऑफ डाला गया है उसका मैं यहाँ पर चर्चा करूँगा। फ्रेंड्स, से जो 2022 का जो कट ऑफ है, ये जो जनरल कैटेगरी में है वो 111 गया था, ठीक है। ये अनारक्षित जो है जनरल कैटेगरी के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए कट ऑफ जो है 111 गया था। ये मार्क्स में बता रहा हूँ, ठीक है ना। इसके अनुसार आप क्वेश्चन जो है आप कन्वर्ट करके देख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद जो उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जाति के जो कैटेगरी के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए 99 गया था। उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जनजाति के लिए 91 गया था। इसके बाद उत्तर प्रदेश के अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 114 गया था, ठीक है। इसके बाद EWS के लिए 114 गया था और उत्तर प्रदेश के DFF के लिए 109 गया था। इसके बाद आप क्रम से आप देख सकते हैं कैटेगरी वाइज जो कट ऑफ है ये पूरा कट ऑफ था, ठीक है। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि जो अपना मार्कशीट है आप वो कैसे देख सकते हैं, ठीक है। ये पूरा आपको मैंने कट ऑफ बताया। अब इसके बाद चलते हैं हम लोग कि कैसे जो है हम लोग अपना मार्क्स जो है वो देख सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको जो है UPPCS के साइट पर जाना है, ठीक है। और यहाँ पर नेट मैं ऑन कर लेता हूँ, ठीक है। इसके बाद साइट जब खुलेगी, ठीक है, साइट खुल रही है, तो इसके बाद आपको क्लिक करना है, ठीक है। इसके बाद क्लिक करने के बाद में आप देखिए यहाँ पर मैंने साइट खोल दिया है। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर शो कर रहा है बहुत सारी चीज़ें जो कि अभी आयोग के द्वारा डाली गई हैं, तो क्रमवार करके, ठीक है। तो यहाँ पर मैं जो है एक जो नंबर पे जो आएगा उसको मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा। देखिए यहाँ पर शो कर रहा है, ठीक है, डाउनलोड वाला में, ठीक है, यहाँ पर गए रिजल्ट में। अब इसके बाद देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आपके पास जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर होगा फॉर्म भरते समय आपके ईमेल आईडी पर रजिस्ट्रेशन नंबर एक आया होगा, वहाँ से आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा। इसके बाद डेट ऑफ बर्थ वगैरह यहाँ पर डे मंथ ईयर ये डालना है, जेंडर कौन सा है वो आपको डालना है, और इसके बाद ये कैप्चा जो है ये आपको यहाँ पर डालना पड़ेगा। इसके बाद प्रोसीड कर दीजिए। प्रोसीड करने के बाद में आपको जो है आपका मार्कशीट जो है अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो बहुत सारे स्टूडेंट पूछ रहे थे कि सर मार्क्स कब आएगा। देखिए, मुझे भी जानकारी नहीं थी कि इसका मार्क्स जो है कब आएगा, क्योंकि आयोग ये कभी बताता नहीं है। और ये भी जो मार्क्स है ये मात्र मान के चलिए कि 11 से 17 तारीख तक के लिए है। कल ही इसका मार्कशीट आ गया था, लेकिन कल जो है साइट खुल नहीं रही थी तो मैं इस पर वीडियो नहीं बना पाया। तो आप लोग जल्दी से जल्दी जो भी इस एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट हुए थे वो लोग अपना मार्क्स जो है देख लें, ठीक है फ्रेंड्स। क्योंकि फिर ये कब मतलब मान के चलिए कि फिर इसके बाद आप नहीं देख पाइएगा कब, क्या मान के चलिए कि फिर आयोग जो है हटा ही देता है। मात्र ये एक सप्ताह के लिए अभी साइट पर डाला गया है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप जाके मार्क्स जो है देख सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स, मिलेंगे हम लोग अपने नए वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।